जो कम्युनल वातावरण जो बना हुआ है, इसका रीजन क्या है? मैं कल से नेशनल मीडिया वॉच कर रहा हूं। नेशनल मीडिया में कुछ अलग और कुछ अलग तत्वों को बताया जा रहा है, तो मैं आज रिक्स लेकर आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि मीडिया को अटेंड नहीं करना है, लेकिन वातावरण देखकर मुझे मजबूरन आज आना पड़ा। आज तेलंगाना में कम्युनल वायलेंस होने का रीजन क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मुनव्वर फारूकी, स्टैंड अप कॉमेडियन, इस व्यक्ति को हमने 3 महीने पहले भी, ये व्यक्ति का प्रोग्राम ना हो, हमने विरोध किया था। वो समय पर पुलिस के सहयोग से कार्यक्रम कैंसिल हुआ। उसके बाद में मुनव्वर फारूकी, जो हमारे तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है, उनका बेटा है केटी रामाराव, जो कि म्युनिसिपल मिनिस्टर है, वो केटी रामाराव से ट्विटर के माध्यम से संपर्क करता है और कहता है कि मुझे हैदराबाद में कार्यक्रम करना है। तो केटीआर साहब, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो एक नास्तिक है, वो उस व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन लगाते हैं, राम भक्तों के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, मुझे फर्स्ट डे अरेस्ट करवाते हैं, सेकेंड डे होम अरेस्ट करवाते हैं, 5,000 से अधिक पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर और 4 IPS ऑफिसरों को रोड पे खड़ा करके एक चिल्लर कॉमेडियन का प्रोग्राम हमारे म्युनिसिपल केटीआर साहब, जो कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं। मैंने कार्यक्रम से पहले DGP, कमिश्नर सभी को निवेदन किया था कि ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम ना लगाए, ऐसे कॉमेडियन का प्रोग्राम ना लगाए जिसने मेरे राम और मेरी सीता मैया के ऊपर एक बहुत ही गंदा कॉमेंट किया था। मैं 10 दिन तक पुलिस से और केटीआर से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं राम जी के नाम पर मरने वाला व्यक्ति हूं, और मेरे भगवान को उसने गाली दिया, कॉमेंट किया, ऐसे व्यक्ति का प्रोग्राम ना लगाए। 10 दिन तक मैंने हाथ पैर जोड़े ये केटीआर के, जो कि मुख्यमंत्री का बेटा है, लेकिन उसका ईगो बीच में आया, किसी हालत में मैं इसका प्रोग्राम कराऊंगा, क्योंकि मुस्लिम्स वोट बैंक का इन्होंने एक खेल खेला है, क्योंकि अगर इसका कार्यक्रम रद्द होगा तो BJP की फायदा होगा, अगर इसका कार्यक्रम सक्सेस होगा तो TRS को और MIM को फायदा होगा। तो MIM और TRS ने मिलके ये फालतू मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम सक्सेस करवाया। कार्यक्रम से पहले मैंने कहा था कि अगर इसका कार्यक्रम होगा तो एक कॉमेडी शो मैं भी करूंगा 22 तारीख के दिन। कार्यक्रम उसका हुआ तो 22 तारीख के दिन मैंने एक कार्यक्रम किया फारूकी को लेकर। टोटली टारगेट मेरा फारूकी की था, फारूकी था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कुछ दूसरे लोग हमारे पैगंबर के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया, हमारे मोहम्मद के ऊपर इन्होंने कॉमेडी की, इस प्रकार से कुछ लोग फोकस कर रहे। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, ना उस वीडियो में मैंने आपके मोहम्मद पैगंबर का नाम कहीं पर भी नहीं लिया, मेरा टारगेट कोई और मैंने कॉमेडी किसी और पे की, लेकिन तुम लोग हमारे ही ऊपर इन्होंने गाली दी, हमारे ही ऊपर इन्होंने कॉमेडी की, अगर तुम लोग समझते हो तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। बाकी की रही कोर्ट की बात, वो तो मैं कोर्ट ने मुझे पर्सनल बॉन्ड दिया सो मैं छूट कर आया, लेकिन पिछले 2 दिनों में कितना आहाकार ये लोग मचा रहे, वर्ल्ड सिटी में दंगा फसाद कर रहे, पुलिस की गाड़ियां फोड़ रहे, तन जुदा यानी सर तन से जुदा, इस प्रकार से ये तालिबान नारे वो लोग लगा रहे। तो मैं जो लोग नारे लगा रहे, मैं आज पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों के ऊपर आपने FIR किया, जो खुलेआम मेरी गर्दन काटने की बात करते हैं, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया? ये कांग्रेस का नेता राशिद कहां पर छुपा हुआ है, क्यों उसके ऊपर FIR नहीं की गई, मैं आज पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूंगा और महमूद अली होम मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि क्यों